Hello friends, I am Sharmila. Today we are going to study a next topic of a lesson Heredity and Evolution. And today's topic is Lamarckism. तो Lamarckism क्या है ये देखते हैं. Jean Baptiste Lamarck proposed that a morphological changes occurring in living organism are responsible for the evolution. And the reason behind these morphological changes is activities or the laziness of that organism. तो यहाँ पे जीन बैप्टाइज लैमार्क ये जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि लिविंग थिंग की बॉडी में जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इवोल्यूशन होता है. तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो उनकी एक्टिविटीज और लेजीनेस के ऊपर डिपेंड होते हैं. उनको उन्होंने ऐसा भी कहा कि प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज, अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स वो उसकी बॉडी के ऑर्गन को यूज करता है तो वो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और अगर डिसयूज करता है या यानी कि उसका यूज कम करता है या करता ही नहीं है तो वो लेजी हो जाता है. फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ द जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन अ लीव्स ऑफ द टॉल प्लांट बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर अ सेवरल जनरेशन. तो यहाँ पे उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया है. जिराफ के एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कि जो टॉल प्लांट होते हैं उसका उसके लीव्स वो खाने के लिए उन्होंने कंटिन्यूसली उनका नेक एक्सटेंड किया और उसकी वजह से उनके नेक में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, जैसे कि उनकी नेक एक्सटेंड हुई है. सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ हैव बिकम अ वेरी स्ट्रांग ड्यू टू अ फ्रिक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट. ये ह्यूमन के बारे में एग्जाम्पल दिया है. आयरन स्मिथ जो होते हैं वो बार बार जो आयरन की चीजें होती है उनके ऊपर हैमर से हैमरिंग करते रहते हैं, बीटिंग करते रहते हैं, और उसकी वजह से उनके जो शोल्डर्स है वो स्ट्रांग होते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ अ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इम्यू हैव बिकम अ वीक ड्यू टू नो यूज. अभी ये जो बर्ड्स है जैसे कि ऑस्ट्रिच एंड इम्यू, तो उनका वेट बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाते, उड़ नहीं पाते हैं, और वो उनके विंग्स जो होते हैं वो यूज नहीं करते हैं और इसकी वजह से वो वीक होते हैं एंड देर इज नो यूज ऑफ द विंग्स. लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक अ स्वान एंड द डक हैव बिकम अ यूजफुल फॉर स्विमिंग. ये तो हमें पता ही है ड्यू टू लिविंग इन वॉटर. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन ऑफ देयर बॉडी. अभी स्नेक है कि उसे लेग्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसकी बॉडी को क्रॉल करके ही उसकी मूवमेंट कर सकता है. फॉर बरोइंग हैबिट ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर द टाइप ऑफ अ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन. दिस इज कॉल्ड एज द थियरी ऑफ अ इनहेरिटेंस ऑफ अ एक्वायर्ड कैरेक्टर और अ लैमार्किज्म. तो ये जो चेंजेस लिविंग थिंग की बॉडी में आए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा लैमार्क का कहना था, लैमार्क ये साइंटिस्ट का कहना था. तो ये प्रिंसिपल को लैमार्किज्म करके कह सकते हैं. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन ड्यू टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड. हमने ये तो देख लिया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बहुत ज्यादा यूज होता है तो वो एक्टिव रहता है, बट उसका यूज नहीं होता है तो वो डीजनरेट होता है. ये कंसेप्ट हमने एक्सेप्ट कर लिया है. बट ट्रांसफर ऑफ दिस कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड. बट यही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो गए, ये प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया गया. क्यों? बिकॉज इट हैज बीन verified many times that modifications brought in us are not transferred to next generation and thereby Lamarck theory was disapproved. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस हुए हैं तो वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है. हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टर्स एक्वायर्ड हुए है वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं. तो उसकी वजह से ये जो प्रिंसिपल है दैट वाज लैमार्क थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड. द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स
विच इट हैज एक्वायर्ड, तो उनके पास जो कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द एंसेस्ट्री ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर. तो इस तरह से हमने लैमार्किज्म के बारे में पढ़ लिया है. अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.